नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा आदेश दिया था, जिस आदेश के तहत उत्तर प्रदेश में किसी के भी गाड़ी पर हूटर नजर नहीं आना चाहिए और ना ही लाल और जो ब्लू बत्ती है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, स्पेसिफिक अगर आप कहेंगे कुछ कारणों के वजह से। अब ऐसे में पुलिस ने जो है इसे लेकर इस निर्देश का पालन करना शुरू कर दिया और इसी बीच अब कांग्रेस के नेता के एक वाहन से हूटर हटाया गया, जिसके बाद जब उसके हूटर के लिए उनका चालान किया गया तो वो भड़क गए। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी पहल की है और इस बड़ी पहल के तहत अब उत्तर प्रदेश में सभी परिवारों की फैमिली आईडी जनरेट की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और इसके पीछे का कारण सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गुड गवर्नेंस के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर कौन है वो कांग्रेस नेता जिनके वाहन से हटाया गया हूटर। तो दरअसल शासन के निर्देश पर, यानी योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस महकमा वाहनों पर लगे हूटर हटवा रहा। इसी वजह से मंगलवार देर रात, आपको बता दें कि देर शाम कोतवाल वेद प्रकाश शर्मा ने जेल चौकी विपिन कुमार यादव के साथ मिल भलवा, आपको बता दें कि भटवालिया चौराहे पर हूटर का प्रयोग करते हुए जा रहे एक स्कॉर्पियो को रोका। इसके बाद उसके हूटर को उतरवाने लगे। ये देख वाहन में बैठे लोगों ने विरोध जताया और कांग्रेसी नेता अखिलेश प्रताप सिंह को सूचना दी। दूसरे वाहन से आगे जा रही कांग्रेसी नेता वापस जो है मौके पर पहुंचे। उन्होंने पहले कारण जाने का प्रयास किया, जिस पर कोतवाल ने शासन के निर्देश का अनुपालन करने की बात कही। इसके बाद वाहन से हूटर को हटवा दिया। इस पर अखिलेश प्रताप सिंह ने नाराजगी भी जताई। उन्होंने मौके पर मौजूद कोतवाल और अन्य पुलिस कर्मियों से उनके वाहनों के कागजात और लाइसेंस की मांग की, जिस पर कोतवाल ने उन्हें समझाते हुए आश्वस्त किया। इसके बाद दल बदल के साथ वहां से निकल गए। कांग्रेसी नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि सत्ता पक्ष के इशारे पर उनके वाहन से प्रचार माइक और चोंगा उतरवाया गया है। अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि जब पुलिस की गाड़ी का पेपर मांगा तो पुलिस पेपर दे पाने में असमर्थ रही, यहां तक कि ड्राइवर के पास मौके पर ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। वही दूसरे की गाड़ी चेक करने वाली कोतवाली पुलिस की गाड़ी चेक हुई तो पुलिस कर्मी मौके से निकल गए। कोतवाल वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि हूटर को हटवाया गया। मौके पर पहुंचे अखिलेश प्रताप सिंह ने थोड़ी नाराजगी जताई। पुलिस कर्मियों के वाहन और जो है कागजात की जांच करने की बात भी गलत है, ये बात जो है निकलकर सामने आई। तो कहीं ना कहीं देखिए कि यहाँ पर वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह पहल की थी कि वीआईपी कल्चर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। कोई वीआईपी या कोई वीवीआईपी नहीं है और इस तरीके से कोई हूटर लगाकर सायरन लगाकर जो है ऐसे नहीं निकल सकता। और उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे और कहा था कि इस कर पालन नहीं करने पर या इस नियम का पालन नहीं करने पर उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ऐसे में हूटर लगाने पर चालान भी किया जा रहा है। और यही कारण है कि जब उसे रोका गया, जबकि क्योंकि अगर आप कहेंगे कानून है, अगर कोई नियम बनाए गए हैं तो उस नियम के अंडर में हर लोग आते हैं जो उस राज्य के हैं। अब ऐसे में कांग्रेस के नेता इस मामले को लेकर नाराज ही हो गए। उन्होंने कुछ बनावटी बातें भी अपनी तरफ से कह दी कि उन्होंने कागजात वगैरह भी चेक करना चाहा, पुलिस के कागजात चेक किए, लाइसेंस चेक किए, लेकिन पुलिस ने कह दिया कि कागजात वाली जो बात है वो जाँच करने के बाद जो है वो गलत है, वो झूठी है, ऐसा कुछ भी वहां पर मौके पर नहीं हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है इस मामले को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, जबकि हूटर नहीं लगवाने को लेकर पहले ही कह दिया गया था, निर्देश जारी कर दिए गए थे और सब पर ही अप्लाई हो रहा है और ऐसे में कांग्रेस नेता इसे लेकर बवाल काटते नजर आए। तो वही दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब निर्देश दिए हैं और कह रहे हैं कि हर परिवार के पास होगा फैमिली आईडी, हर जरूरत को पूरा करने का बनेगा माध्यम। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको बता दें कि गुरुवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश की प्रत्येक परिवार इकाई को जारी की जा रही परिवार आईडी प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की और इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ सभी परिवारों को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि हर परिवार को सरकार की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार और जो है आपको बता दें कि सेवा योजना से जोड़ने के संकल्प के क्रम में प्रदेश में परिवार आईडी जारी की जा रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निवासरत लगभग 3.60 करोड़ परिवार के 15.7 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पा रहे हैं और इन परिवारों की राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी है, जबकि 1 लाख से अधिक गैर राशन कार्ड धारकों को फैमिली आईडी जारी की जा चुकी है। ऐसे परिवार जो कि राशन कार्ड धारक नहीं है उनके लिए http://familyid जो आपको बता दें कि id.up.government.in पर पंजीयन कर परिवार आईडी प्राप्त करने की व्यवस्था है।
इस योजना का जो आपको बता दें कि आधिकारिक प्रचार प्रसार किया जाए, प्रदेश का कोई भी परिवार इससे वंचित ना रहे। एक परिवार एक पहचान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान जारी की जा रही है, जिससे राज्य की परिवार इकाई का एक लाइव व्यापक डेटाबेस स्थापित होगा। ये डेटाबेस लाभार्थी परक योजनाओं के बेहतर प्रबंधन, समन्वय, लक्ष्यीकरण, पारदर्शी संचालन और योजना का 100% लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने और आम जनता को सरकारी सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने की व्यवस्था के सरलीकरण में सहायक होगा। परिवार आईडी प्रदेश के सभी जो है परिवारों के लिए है। 25 करोड़ जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए। परिवार आईडी के माध्यम से प्राप्त एकीकृत डेटाबेस के आधार पर रोजगार से वंचित परिवारों को चिन्हांकन कर उन्हें रोजगार के समुचित अवसर प्राथमिकता पर उपलब्ध कराए जा सकेंगे। सभी लाभार्थी परक योजनाओं को परिवार आईडी से लिंकेज करें। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित 76 योजनाओं और सेवाओं को फैमिली आईडी से लिंक किया जा चुका है। अवशेष सभी लाभार्थी परक योजनाओं को परिवार आईडी से लिंकेज किया जाए। केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित समस्त योजनाओं का डेटाबेस प्राप्त कर उसे परिवार कल्याण पासबुक और फैमिली आईडी से जोड़ा जाना चाहिए। सभी लाभार्थी परक डीबीटी योजनाओं और सेवाओं के ऑनलाइन आवेदन में आधार आवेदन आधार अधिप्रमाणन अनिवार्य किया जाना चाहिए। इस तरह फैमिली आईडी का कवरेज बढ़ाने में सहायता मिलेगी। आईटीआई पॉलिटेक्निक्स और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में नए प्रवेश के समय आधार ऑथेंटिकेशन कराएं। तदुपरांत परिवार आईडी से लिंकेज किया जाए। जाति और आय प्रमाण पत्र जारी करने में अनावश्यक देरी ना हो, इस प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर एक परिवार को मिल रहे शासकीय योजनाओं के लाभ का पूरा विवरण दर्शाते हुए परिवार का पासबुक भी तैयार कराया जाए। पासबुक और परिवार आईडी जारी करने से पूर्व परिवार के संबंध में सभी जानकारी को विधिवत प्रमाणित किया जाए। सभी संबंधित विभाग इसमें सहयोग करें और इसके जरिए जो है एक फैमिली आईडी को क्रिएट किया जाए। यानी साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां देश को विकसित करने में बड़ा योगदान दे रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश को लगातार नए आयाम नए डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाने के पीछे योगी आदित्यनाथ ने जोरों शोरों से तैयारियां कर ली है और जोरों शोरों से इसके तहत जो है काम भी कर रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में वीआईपी कल्चर खत्म करना हो या उत्तर प्रदेश में हर जन तक हर मानस तक हर लोग तक हर व्यक्ति तक जो है इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना हो, वो लगातार प्रयासरत है और इसके तहत जो है लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश को एक बेहतर राज्य बनाने के लिए, चाहे वो कानून प्रशासन लॉ से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो लोगों की सुविधाओं से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो सरकारी योजनाओं का लाभ देने से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो कल्चर खत्म करने से जुड़ा हो, चाहे वो हर व्यक्ति को सामान्य अगर आप कहेंगे दर्जा देने से जुड़ा हो, हर चीज में इस वक्त उत्तर प्रदेश बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने कदम उठाता हुआ और डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।